हरि ओम दुर्गे स्मृता हर शिवे तमसे सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारनि कात्वदन। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आपका स्वागत करती हूं द न्यूज पोस्ट के नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में। नवरात्र के पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि माता के इस स्वरूप का अवतरण अपने पुत्र स्कंद की प्राप्ति के बाद हुआ था। माता अपने पुत्र से बेहद प्रेम करती थी, यही कारण है कि माता को उनके बेटे के नाम से संबोधित किया जाता है। माता की पूजा और उपासना करके भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माता की विधि पूर्वक पूजा कैसे की जाती है, आज हम जानेंगे पंडित दुर्बल पुरोहित जी से। पांचवा कल्प आज पंचम तिथि है, तो पांचवा स्कंद माता का आता है। स्कंद माने छह, छह का मतलब कार्तिकेय, पार्वती का यहां स्वरूप दिखाई दे रहा है। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय है, इनकी चार भुजाएं हैं, सिंह पर सवार देवी हैं। तो ये जो हैं सो इसमें एक मातृ रूप में पूजा होता है, और मातृ रूप में पूजा जो होता है, यहाँ देवी को आप नीला पुष्प, अपराजिता पुष्प होता है एक, उस पुष्प का 108 माला आज आप चढ़ाइए। दुर्गा कल्प में स्कंद माता का बहुत बड़ा विधान है, और मातेश्वरी जो हैं, जो भक्त 9 दिन तक पाठ करते हैं, तो पांचवा कल्प जो होता है वो यहाँ बहुत ज़्यादा शालीनता से निभाया जाता है। और इस बैजनाथ धाम देवघर में जो कल्प है वो हमारे समाज में जो महंत परिवार से आते हैं, जो ओझा लोग हैं, वो आज ही के दिन कुमारी को भोजन कराते हैं। क्योंकि माता स्वरूप में वो आ गए, तो माता का मतलब है कि अपने बच्चे को पालन करना। तो कुमारी को भोजन आज जो कराया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ओझा परिवार जो है या उनसे संपर्कित जो परिवार है, वही परिवार लोग आज कुमारी पूजन करते हैं, और कुमारी को रंग बिरंगा पकवान, भोजन और वस्त्र आदि से आभूषण करते हैं। और कम से कम छह, पांच है तो पांच कुमारी तो निश्चित, और हर देवी और शक्ति के पास में एक भैरव होता है, बटुक भैरव, इसलिए पांच भैरव, इसलिए पांच बटुक भैरव भी चाहिए, ऐसा विधान है। और यह दुर्गा कल्प में है तो आज जो है सो आज से आरंभ हो जाता है, देवी को प्रसन्न करने के लिए यह कल्प जो है चलाया जाता है। और स्कंद माता के पास में जो है सो अभय बरद, अभय दान और बरद दान दो चीज़ होता है। अगर इधर हाथ आप उठाए हुए हैं इसको अभय कहता है, माने रक्षा, आपका रक्षा करेंगे। अब बरद जब इस प्रकार का हाथ हो जाता है तो उसको बरद कहते हैं, माने देने के लिए तैयार है। तो अभय और बरद दोनों चीज़ जो है माता आज के दिन में देती है। देखिए दुर्गा का पूजा में किसी का कोई रोग नहीं, आराधना सब जाति सब बिरादरी सब कर सकता है। जहाँ तक तांत्रिक मंत्र का प्रयोग का सवाल है, वहाँ जो तांत्रिक विद्या से तांत्रिक पद्धति से जो दीक्षित हुए वही कर सकते हैं तांत्रिक मंत्र का प्रयोग, तब उसका होगा।
और दीक्षित होता है गुरु से। तो ये जो है जो ब्राह्मण लोग होता है उनको तीन गुरु के बाद ही उनका दीक्षा जो पूर्ण होता है। पुरोहित दुर्लभ मिश्रा जी द्वारा बताए गए विधि से आप भी माता स्कंद की पूजा और उपासना करें और अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करें। फिर लौटेंगे माँ के दूसरे स्वरूप की व्याख्यान के साथ। बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। हरि ओम दुर्गे स्मृता हर शिवे तमसे सजंतो स्वस्थ स्मृता मति मति वसुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारनिका स्वधन।